अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। वैसे जब बाजार में पहुंच जाओ ना तो मुझे फोन कर देना। वैसे मैंने उनको कल ही इत्तला दे दी है, आज ये काम होना जरूरी है। उसकी बातें मेरा बड़ा दिल खराब करती हैं। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक सर, लेकिन तुम इतना सीरियस मत लो उसे। अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर। अगर मैंने तुम्हें 50 रुपए भी नहीं दिए तो 50,000 रुपए कहां से आए? वाह, अब तुम मुझ पर शक करोगे? बारीक आदमी सिर्फ यही कर सकता, और क्या करेगा? तमीज से बात किया करो, तुम्हारे शोरूम में। हमारा जो काम है उसमें कोई किसी का नहीं होता, जो होता है वो देने वाला होता है। अब सुन मेरी बात, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। अच्छा, सारी जिंदगी मेरा तुम्हारा साथ रहा, अब उस बच्ची के लिए तुम मुझे मुजरिम ठहरा रही हो? अगर तुम्हें सारा इतनी प्यारी है तो रखो इसे, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो जफर? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं जी हूँ या ना हूँ? क्यों कर रहे हो तुम ऐसी बातें? कान खोल कर सुन लो, तुम सब आज के बाद जफर इस घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अम्मी अब्बू को रोकें। जफर रुक जाओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। खालू मत करें ऐसा। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। अबू अजहर को तो आने दें कम से कम। और हाँ, बता देना अपने फरमाबरदार बेटे को, मुझे मरवाने में उसका भी हाथ। मैं अपना जनाजा इस घर से उठने नहीं दूंगा, देख लेना। बस कर दो जफर, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। मैं इस घर से जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जफर मेरी बात सुनो, जफर मेरी बात। जा रहा हूं मैं। जफर, जफर सुनो तो। क्या हुआ? सबा ठीक तो थी? क्या जरूरत थी जरीना को ऐसी बातें करने की? है? क्या कह दिया भाई जरीना ने ऐसा? जब हम सोच रहे हैं कि सबा को उस घर में जाना है बहू बनकर, और जरीना का दिल भी है, कब से तो वो हारिस का रिश्ता मांग रही है, जब खावर और सुल्ताना जिंदा थे तब से। देखो जुबैर, कितनी मुश्किल से मैं इसे मना कर लेकर गई थी, और जरीना ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर दिखा दिया इसे। अब उसे बुरा तो लगेगा ना, तो ये डर रही थी कि कहीं कुछ बोल ना दे। अरे समीना, ये प्यार है जरीना का और उसके घर वालों का, कि वो उसे बहू बनने से पहले ही अपने घर की बहू समझ रहे हैं। नहीं जुबैर, ये बहुत गलत है। और तुमने वो हारिस को देखा था? बार बार कमरे में आ रहा है, जा रहा है, वही हरकतें हैं उसकी, आगे पीछे हो रहा था सबा के, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो क्या तुम हमें इसलिए लेकर गए थे रिश्ते की बात करने? ये तो बेइज्जती हो गई ना हमारी। समीना, अच्छा है जब सबा हमारी जिम्मेदारी है तो यूं समझ लो कि हारिस से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जरीना इसे रानी बना के रखेगी, पैसे की तो कोई कमी है नहीं उनके, और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी नजरें इसकी जायदाद पर तो होंगी नहीं, उनके यहां तो पहले ही हुन बरस रहा है, दौलत बरस रही है। समझा करो। मैं जाती हूँ, बात करके देखती हूँ उससे। हाँ हाँ, उससे जाकर बात करो, उसे समझाओ। और ये बताओ खाना कैसा था? अम्मा जब जिंदा थी खुद इस जरीना से पकवाती थी खाना, इतना मजेदार खाना बनाती। देखा तुम लोगों ने,
मैंने सभी क्या कह दिया था कि ये चलेंगे। बस करें अम्मी, अब्बू आ जाएंगे घर। अभी अजहर आता है तो मैं भेजती हूँ ना उसे। इतने गुस्से में गए हैं ये, मैंने खामखान से बहस कर ली। अब ना जाने वो कहाँ चलेंगे और क्या हो वो। अम्मी क्यों उल्टा सीधा सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी अब आप मुझे तो ना इल्जाम दें इस सब में। मैंने तो हमेशा आप सबका और इस घर का भला ही चाहा है। खाला खालू आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में क्या हो रहा है? तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना, बाकी सब इस घर में लड़ लड़ कर जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो नरीन? इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें? अम्मी इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसकी वजह से ही हो रहा है। जब से ये इस घर में आई है ना, एक कयामत टूट पड़ी है इस घर में। और मुझे तो इस घर में दिन रात बातें सुनने को मिलती हैं, और आप हर मामले में इसी का साइड लेती हैं। चुप कर जाओ नोरी। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको इसे इस घर में रखना है ना तो रखें, शौक से रखें, लेकिन मैं तो इस घर में अब नहीं रहूंगी। नोरी तुम कहां की बात कहां लेकर जा रही हो? वैसे मैं कम परेशान हूँ जो तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। अम्मी पहले भी तो आपकी और अब्बू की इतनी दफा लड़ाई हुई है, मैं और अजहर गवाह हैं इस बात के, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ कि अब्बू घर छोड़कर जाते? लेकिन आज आपकी इस लाडली की वजह से हमने ये दिन भी देख लिया है। अब्बू इसकी वजह से घर छोड़कर चले गए और आप अभी भी इसी का साइड ले रही हैं। मुझे तो आप हर चीज में इल्जाम ठहराती हैं कि मैं ही गलत हूँ और ये सही है, और मुझे भी इस घर में नहीं रहना, अब तंग आ गई हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, नाराज हो मुझसे? मैं नाराज नहीं हूं पप्पू, लेकिन आप लोगों को कुछ तो एहसास करना चाहिए था ना। सबर क्या हो गया है, हर बात का बुरा मान जाती हो, सबर किया करो। रिश्तेदार हैं हमारे, जुबैर की एक ही तो बहन है, कितना प्यार करते हैं वो उससे। अगर वो उन्होंने मेहमान नवाजी कर ली और हमारी खातिर मदारात कर ली तो क्या हो गया? हुप्पो मैं खातिर मदारात की बात नहीं कर रही हूँ, आप भी समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या थी। हुप्पो आप लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या है? मेरे माँ बाप को मरे हुए भी दिन ही कितने हुए हैं, बहनें वो मुझसे दूर हैं, उनसे बात तक तो मैं कर नहीं पाती हूँ। और जो वादे आप लोगों ने हमसे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हम बहनें किन हालात से गुजर रही हैं इसका अंदाजा तो कर लेती हैं आप। सबा बेटा तुम मुझसे इतनी खफा क्यों रहने लगी हो? हम अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहे हैं ना। तुमने क्यों इतने वसवसे पाले हुए हैं दिल में? हुप्पो हम तो आपस में बात भी नहीं कर सकते, आमना चच्ची का रवैया आपके सामने है। क्या हादिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? सारा से बात किए हुए एक महीना हो गया है, मेरा कितना दिल चाहता है अपनी बहनों से मिलने का, लेकिन मैं मिल ही नहीं सकती क्योंकि आप लोगों ने मना किया हुआ है। और पप्पू आपने देखा उन लोगों को किस तरह का रवैया था उन लोगों का मेरे साथ। पप्पू मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में। सबा तुम्हारी तो बिला वजह की आदत बन गई है, सबर नहीं है तुम्हारे मिजाज में। तुम्हें हर तरीके से इतना प्यार मिल रहा है, हम तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है? हद हो गई है। नौरीन अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे नहीं रहना अब इस घर में, जा रही हूं मैं। रखो तुम लोग सारा को, रहो खुश, मेरा क्या है, रह लूंगी मैं अपनी अम्मी के घर।
नौरीन इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें बताया था ना मैंने कि अम्मी बहुत परेशान है। मेरी वजह से नहीं है वो परेशान। सॉरी, तुम्हारी वजह से ही परेशान है। क्या जरूरत थी तुम्हें सारा को बाजार लेके जाने की? अच्छा ठीक है, करो तुम मुझ पे शक, बल्कि ऐसा करो तुम सब मिलकर मुझ पे शक करो। मैं तो जा रही हूं यहां से भाई, बहुत हो गया है। अरे नौरीन, कहां जा रही हो? नौरीन बेटा कहां जा रही हो? बहुत हो गया अम्मी, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और अब मैं वहीं रहूंगी, आप लोग रहें खुश। नौरीन भाभी रुक जाए ना प्लीज। तुम तो चुप करो सारा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं दूसरों को ये बात कब समझ आएगी। ये नौरीन, नौरीन रुको ना। नौरीन तुम तो चुप करो सारा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं दूसरों को ये बात कब समझ आएगी। ऐसे क्यों बोल रही हो नौरीन? इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें? जब से ये इस घर में आई है ना, एक कयामत टूट पड़ी है इस घर में। चुप कर जा नौरीन। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको इसे इस घर में रखना है ना तो रखें, शौक से रखें, लेकिन मैं तो इस घर में अब नहीं रहूंगी। आंटी मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर वापस जाना है। अंकल कौन थे? ये बेटा क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ घर पे। वो क्या बातें कर रहे थे अंकल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। चलो चलो मैं तुम्हें घर। करामात छोड़ के जाया करें। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, तू तो मेरी जान है जान। ठीक है चलो चलो घर चलते हैं। चलो अम्मी आप परेशान ना हो, अबू आ जाएंगे। बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अबू बहुत गुस्से में घर से गए हैं। अम्मी आखिर क्या बात हुई थी? होना किया था, तुम्हें तो पता है कि नौरीन और तुम्हारे अबू का क्या प्लान चल रहा था। मैंने थोड़ी सी बहस क्या कर ली कि वो गुस्से में आ गए। मैं भी क्या करूँ, दिल से मजबूर हूँ। अम्मी हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं है सर, ये कोई गलत फहमी नहीं है। उन लोगों का प्लान बहुत बड़ा था। मैं तुम्हारे अबू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना बहुत बुरा कर रहे हैं। तुमने नौरीन का रवैया देखा नहीं? अम्मी उसके बारे में आप ना सोचो, मैं बात कर लूँगा। नहीं अजहर, तुम फौरन जाओ और नौरीन को लेकर आओ। देखो इस तरह हमारे घर की बदनामी होगी। अगर वो लोग इस तरह नहीं सोचते तो मैं तुम्हारा घर क्यों खराब करूं बेटा? अम्मी जिस तरीके की वो बदतमीजी कर कर गई है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको वापस लेकर आऊं। अच्छा हजार, इन बातों को भी छोड़ो, पहले तुम्हारे अब्बू को तलाश करो। मैंने नबील अंकल से बात की है, अब्बू उनके पास जाते हैं। अब वो जब उनके पास आएंगे तो वो मुझे बता देंगे। आप परेशान ना हो, अब्बू एक दो दिन में घर वापस आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? वो खाला, अगर नौरीन भाभी और खालू मेरी वजह से गए हैं घर से, तो मुझे आप सबा आप ही के पास छोड़ाएं। देखा तुमने कितनी परेशान है ये। भाई जुबैर, जरीना आपा को तो आप मना ही कर दें, सबा के तेवर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। तनी क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए? अरे अरे क्या हुआ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ दिन ऐसा करेगी फिर मान जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। देखो शुरू शुरू के दिन है, ताजा ताजा घाव है, जैसे जैसे सोचेगी बात बन जाएगी। पता नहीं तुम्हें इतना यकीन क्यों है? दुनिया देखी है समीना बेगम मैंने, ये तो बच्ची है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, गारंटी के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए। आ रहा हूं मैं, फिक्र ना किया करो हर बात की। हेलो
हेलो सामिया, कैसी हो? मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हें फोन कर रही हूँ। खैरियत तो है, क्यों मेरा दिल धड़का रही हो? समीना, जफर घर छोड़कर चले गए। क्यों, क्या हुआ? समीना, मेरे घर पर मुसीबत आई हुई है। मैं बता नहीं सकती हम किन हालात से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले अजहर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। या खुदा, ये क्या बातें कर रही हो तुम? सारा तो ठीक है ना? नहीं समीना, सारा को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मजबूर होकर तुम्हें फोन कर रही हूँ। मेरी बात तो करवाओ सारा से, कैसी है वो? समीना, मेरा घर उजड़ रहा है, तुम बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं मजीद सारा को नहीं रख सकती। ये क्या कह रही हो सामिया? समीना, ये सारा मसला बंटवारे की वजह से हुआ है। अजहर सारा को लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, अब सारा तुम्हारे पास ही रहेगी। समीना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सारा को कैसे रख सकती हूँ? क्यों, अगर बड़ी बेटी रह रही है तो छोटी भी रह लेगी। देखो समीना, मुझे पहले जुबैर से पूछना पड़ेगा, मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती। पूछ कर बता देना, और कल ही बता देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समीना, मुझे माफ कर देना। हम मर गई, शहजादी ना आ जाए। क्या हुआ तुम्हें? आ गए तुम? हाँ, आज काम बहुत ज्यादा था। फिर भी जल्दी आ गए? क्या हो गया, दिमाग तुम्हारा ठीक है? रात हो गई है। अंदाजा ही नहीं हुआ। हादिया कहाँ है? अभी तो आए हो, आराम कर लो। आते ही हादिया कहाँ है? पड़ोस में गई है। पड़ोस में गई है इस वक्त? सोबिया भी साथ गई है, वो आ गई थी, वो नहीं आई। आमना, झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आदिया, ये क्या हालत बनाई हुई है, कहाँ पे थी तुम? मैं वो आंटी के साथ गई थी। आंटी? अजहर बेटा, मैं कब से तुम्हारे अब्बू को कॉल लगा रही हूँ, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। अम्मी, मैं नबील अंकल के यहाँ जा रहा हूँ, उनका फोन आया था, अब्बू वहीं पर ही हैं। अच्छा, तुम्हारी बात हुई तुम्हारे अब्बू से? नहीं नहीं अम्मी, मैं वहीं जाके बात करूंगा, मेरी बात नहीं हुई। अगर बेटा वो ना आए ना तो मेरी बात करवा देना, तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत कितनी खराब है, वो कैसे रहेंगे वहां पर, मैं समझाऊंगी उन्हें। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह करे सब ठीक ही हो जाए बेटा, तुम देखो ना उनके बगैर घर में कितना सन्नाटा है। चाहे वो नाराज रहते थे, बोल लेते थे, लेकिन घर में रौनक तो होती थी ना। मैंने समीना से बात की है, मैंने उसे कहा है कि हम सारा को लेकर आते हैं उसकी तरफ। अम्मी, क्या जरूरत थी बात करने की? सारा वैसे ही परेशान है, वो किस तरीके से बर्दाश्त कर रही है, कुछ हमें भी सोचना चाहिए ना। अजहर बेटा, घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं,
मुझे मेरा घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे अब्बू को ना मना पाई। तुम्हारे सामने कितनी कोशिश की मैंने इस घर को बचाने की। सुल्ताना की बेटी है सारा, मुझे भी जान से बहुत प्यारी है, लेकिन क्या करूं बेटा, इस घर को भी तो बचाना है ना। अच्छा बेटा, जरा नोरिन की तरफ भी चले जाना। रहने दे अम्मी, उसके अकल ठिकाने आने दे। बेटा समझा करो, इस तरह हमारी बदनामी होगी, लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा, और तुम्हें पता है ना, जो जिसके दिल में आएगा वो कहेगा। आपने देखा अम्मी कितनी बदतमीज हो गई है, इस परेशानी की हालत में मुझे छोड़ के चली गई। वैसे पहले मेरा ख्याल था कि मैं उसे लेकर आ जाऊं, लेकिन अब नहीं, रहने दो उसको वहीं पे। अजहर बेटा समझा करो। अम्मी मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। अजहर बात सुनो। या अल्लाह मेरे घर पर रहम कर। बात तो सुनो। अरे भाई मैं ऑफिस से आकर तुमसे बात कर लूंगा ना, अभी क्या है? देखो ना क्या हालत हो रही है मेरी। समीना हलकान होना छोड़ दो, क्या हम इन्हीं उलझनों में उलझ रहेंगे? कोई पुरानी वाली समीना बनो, बाहर निकलो, अपने अंदर ताकत और तवानाई लेकर आओ। जुबैर तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? पता है रात को ना सामिया का फोन आया था। रात को इस फोन का जो है ना गला घोट दिया करो, क्यों उठाती हो फोन? और रात को तो वैसे भी भूत और बलाओं के फोन आते हैं, खुद सो जाते हैं, हमें उठा दे तो। जुबैर कभी तो सीरियस हो जाए करो। पता था मुझे उसी चुड़ैल का फोन है, चैन नहीं है इन्हें। पता है कह रही थी कि जफर घर छोड़कर चला गया है। घर छोड़कर चला गया? अब क्या नया ड्रामा है इन दोनों मियां बीवी का? बेचारी हलकान हो रही थी रो रो के। कोई पहली दफा परेशान थोड़ी थी भाई। इस शख्स जफर जिसका नाम है ना, इसके पैर जब तक जमीन पर हैं, ये जमीन पर रहने वालों को परेशान करता रहेगा। जुबैर सामिया कह रही थी कि वो सारा को लेके यहाँ आ रही है, अब उसे नहीं रख सकते। मतलब क्या प्लान चल रहा है भाई इनके जहन में? तुम हर बात को शक की निगाह से क्यों देख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जुबैर, मैंने तो तुम्हारा नाम लेकर कह दिया है कि मैं जुबैर से पूछूंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि वो सारा को नहीं रखना चाह रहा है, फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। देख लो जुबैर, तुमने तो देख लिया ना सबा कितना परेशान कर रही है। सबा कहाँ परेशान कर रही, बच्ची है समझ जाएगी। मैं तो कहता हूँ आने दो सारा को, लेकिन पहले सबा से पूछ लो भाई, अगर सबा हाँ बोलती है तो हम सारा का भी वेलकम करते हैं। भाई सबा से क्यों पूछे, फैसला तो हमें करना है ना। नहीं नहीं, सबा से पूछना लाजमी है, इसलिए कि सबा इस घर का हिस्सा है, और वैसे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, एक थी दूसरी भी आ जाए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे तफसीली इस पर। चलो बस खुदा ऑफिस। सारा बेटा अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं खाला, मैं समझती हूँ। बेटा तुम्हारी खाला इतनी बुरी नहीं थी, तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन खाला आप ऐसे क्यों सोच रही हैं, मैं खुद भी तो जाना चाहती हूँ ना सबा आप ही के घर। बेटा क्या ही अच्छा होता कि हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते जुलते रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खाला आपने बात की है पप्पो से? लेकिन बेटा मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हें खुद से जुदा करूं। खाला मुझे बात करनी है सब आप ही से। हाँ बेटा तुम बात कर लो, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसका जिक्र मत करना, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये लो बात कर।
हेलो, आप ही कैसी हैं आप? सारा, मैं बता नहीं सकती मुझ पर क्या गुजर रही है। शुक्र है तुमसे बात तो हुई। आप ही, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है? आप ही, अगर मैं बात नहीं कर रही थी तो आप तो कर सकती थी ना? मैं करना चाहती थी लेकिन वो। आप ही, मैं समझ सकती हूँ। हादिया से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी मेरी बात उससे। पता है आमना चच्ची उसका दाखला करा रही है स्कूल में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ही, हादिया की बहुत ज़्यादा याद आती है। मत रोया करो सारा, इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। आप ही, वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो सारा। आप ही, वो मैंने खाला से कहा है कि वो मुझे आपके पास छोड़ दें, फुप्पो के घर पे। मेरे पास? खाला ने कहा है क्या? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं आप ही, मसला तो कोई भी नहीं हुआ, पर मुझे आपके साथ रहना है। तुम्हें मेरे साथ रहना है? जी आप ही, मैं तो कब से चाह रही थी। फिर हम हादिया को भी बुला लेंगे। ठीक है, मैं फुप्पो से बात करके बताऊंगी तुम्हें, बाद में बात करती हूँ। तुम ख्याल रखना अपना। ठीक है आप ही, आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वाह, आराम हो रहा है, धंधे वंदे पे नहीं जाना क्या? ठीक, मांग मांग के मैं तो थक गई हूँ, थोड़ा सांस लेने बैठ गई थी। अब तुझे मेरे बैठने पर भी एतराज है? मैंने मना तो नहीं किया बैठने पर, बस हाथ फैलाकर बैठना है और तू यहाँ उठकर आ गई। ए भाई, ए बाजी, ए अम्मा, बस ये तेरा काम है। अच्छा, अब तो मुझे भी सिखाएगा। अरे तुझे क्या पता, मीरपुर खास के रोडों पर तुझसे पहले मैं भीख मांग रही हूँ, सब पता है मुझे। देख, तू तो प्यार से भी बात कर लिया कर। तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। ना मैं हीरो, ना तू मेरी हीरोइन। हम मांगने वाले हैं, हमारा काम मांगना है। हाय हाय, शौकी हमारे पास भी तो दिल लेना। देख, अगर मैं मेकअप करती, बन ठन कर चलती, नए नए कपड़े पहनती, हाय क्या फिर तू मुझे देखता? हाँ, फिर आंखें मार के मुझे इशारे करता? पर नहीं, पत्थर दिल है, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। छोड़ दे ये ख्वाब देखना, धंधा करने आई है, धंधा कर। ये ख्वाब देखेगी तो धंधा नहीं कर पाएगी बेवकूफ। ठीक है, एक बात तो बता। बोल। मुझे साका मिला था, उसने बताया तेरे साथ एक बच्ची थी जिसे तू वहां बिठाकर मांग रही थी। कौन थी वो बच्ची? ये बच्ची वही तो नहीं जिसे तू लाई थी? अब कहाँ है वो? वो साका? देख, आइंदा साके का नाम मेरे सामने नहीं लेना। ये क्या जासूस तूने मेरे सामने छोड़ दिया है? हर वक्त मेरे पीछे 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 फिरता रहता है, हर वक्त मुझे नजरों से देखता है। अगर आइंदा उसने मुझे ऐसे देखा ना, तो बालों से पकड़कर उसको उधर ही उधर दफन कर दूंगी मैं। अच्छी तरह जानता है ना मुझे, समझाना उसे। अब मेरी समझ में आया, जो तू इतना भड़क रही है ना, कोई तो गड़बड़ जरूर है। अगर तू मुझसे छुपा कर कुछ कर रही है ना, तो पता चल जाएगा फिर। आज तो वो जल्दी में था, आइंदा मिलेगा तो तफसील पूछूंगा उससे। पूछना पूछना, अच्छी तरीके से पूछना उसे, वो बताएगा तुझे और फिर मैं उससे बताऊंगी, ठीक है ना? हाँ पूछूंगा। बड़ा आया साके का हिमायती, देखे तो सही है वो मुझे, इसे उसकी मैं आंखें नोच के निकालती हूँ। सबा देखो, जिन घरों में दो चार लोग रहते हैं वहाँ नोक झोंक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिलों में रंजिशें हैं,
पप्पो मैं माजरत चाहती हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो। नहीं, बड़े भी हम हैं और माफ़ भी हम करेंगे। जब तक तुम्हारी पप्पो जिंदा हैं तुम्हारे अच्छा बुरा और तुम्हारा सुख के लिए हम सोचते रहेंगे। असल में बात यह है कि रात को समिया का फ़ोन आया था, वो सारा के बारे में बात कर रही थी। सबा जी। पप्पू मैं सुन रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या मसला है, समिया ऐसा क्यों बोल रही है। बस अफसोस इस बात का है कि उनसे एक बच्ची नहीं संभाली जा रही। खाला क्या चाह रही है पप्पू? चाह क्या रही है, दिमाग खराब हो गया है उनका। तुम्हारे खाले तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। मजाल है जो कभी किसी से प्यार से बात भी कर ले। खालू ने कोई बात की है? नहीं, उन्होंने तो कोई बात नहीं करी, लेकिन तुम्हारी खाला बता रही थी कि तुम्हारे खालू घर से नाराज होकर चले गए। क्यों पप्पू? मुझे नहीं पता बेटा इस बात का, लेकिन समिया चाह रही है कि अब सारा यहीं रहे तुम्हारे साथ।